सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टेक टिप को और बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट एप्लीकेशन गेम और टेक न्यूज के बारे में हिंदी में जानने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो हाल ही में मैंने नया एक फिटनेस स्पिनर खरीदा है और इसे पहली बार घुमाते ही मुझे पता चल गया था कि इसका क्रेज कोई इतना सारा है पूरे वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले फिटनेस स्पिनर के बारे में और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा फिटनेस स्पिनर बेहतर है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक टिप में। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हाल ही में जो नया जो फिटनेस स्पिनर खरीदा है ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसका ये बॉक्स पैकिंग कुछ इस तरह से है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छे बॉक्स पैकिंग में आता है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्मूथली घूमता है। इसके अंदर एक बॉल बेयरिंग आती है, इसकी वजह से ये बहुत ही स्मूथली घूमता है और इसका क्रेज इसी वजह से बहुत सारा है। और दोस्तों ये फिटनेस स्पिनर मैंने लिया है तकरीबन 150 से 200 रुपए में। आप ये फिटनेस स्पिनर ले सकते हैं 150 से 200 रुपए में। इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती है, जैसे कि लाइट वाला आता है, बाद में मेटल का आता है। ये जो मैंने खरीदा है ये है प्लास्टिक वाला स्पिनर है। आप इसमें मेटल वाला भी खरीद सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक वाला स्पिनर है और इसके बीच में यहाँ पे जो है वो इसकी बेरिंग आती है। इसके अंदर एक बेरिंग होती है कि जिसकी वजह से ये घूमता है और इसका वेट बैलेंस बहुत ही अच्छा है। और अगर आप एक अच्छा फिटनेस स्पिनर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसकी जो स्पिनिंग टाइम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्पिनिंग टाइम है इसकी कम से कम ये 1.5 मिनट से 2 मिनट के अंदर होनी चाहिए तो ये फिटनेस स्पिनर बहुत ही अच्छा है। अगर 1.5 मिनट से कम है इसका स्पिनिंग टाइम तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो फिटनेस स्पिनर है वो दूसरा परचेस कर लीजिए या फिर उसे ना ले। और अगर फिटनेस स्पिनर का टाइम 2 मिनट है स्पिनिंग टाइम तो मैं वो बोल रहा हूँ कि उसका वो फिटनेस स्पिनर बहुत ही अच्छा है, आप उसे ले लीजिए। और इसके पीछे बहुत ही सारे फिटनेस स्पिनर आपको मिल जाते हैं और उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा होती है। मैं जब ये पहली बार इंडिया में आया था तो इसकी प्राइस तकरीबन 1500 से लेकर 2000 के बीच में थी, जो इसकी प्राइस इतनी नहीं होनी चाहिए थी। और दोस्तों आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं, ये बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही बढ़िया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लास्टिक का है और इसकी वेट भी थोड़ा हैवी है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बैलेंस है वेट बैलेंस इसका बना रहेगा। और आप फिटनेस स्पिनर खरीदते समय ये भी ध्यान रखें कि इसका जो ये जो तीन है ये इसके वो बहुत ही इक्वल हो। इसी वजह से क्या होगा कि ये जो उसका वेट बैलेंस है ये बैलेंस अच्छी तरह से रहेगा और नहीं तो क्या होगा कि ये ऐसे घूम घूम करेगा और ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा, तो ये एक फिटनेस स्पिनर अच्छा नहीं है। और मार्केट में अभी इंटरनेशनल मार्केट में ये फिटनेस स्पिनर के अलावा दूसरा एक और टॉय वो बहुत ही क्रेज में है जिसका नाम है वो है ये वाला, ये फिटजेट क्यूब है। और इसका मुझे पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये फिटनेस स्पिनर का तो मुझे मालूम चल गया कि इसको हमें घुमाते रहना है तो इसकी वजह से थोड़ा अच्छा लग रहा है इस तरह। लेकिन ये जो है वो बहुत ही वर्थ इट नहीं है, ये मुझे लगता है बहुत ही बकवास वाला, क्योंकि इसमें क्या है कुछ हमको करना नहीं है। अगर आपको कोई आदत है बटन स्विच दबाने की तो इधर पे आपको ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक स्विच दी गई है तो आपको सिर्फ इसके दबाते रहना है, ऐसे 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 आप ऐसे कर सकते हैं। या फिर इधर पे ये जॉयस्टिक दी हुई है तो आप उसको सिर्फ ऐसे दबाते रहते हैं घुमाते रहते हैं, आपको बस इसमें सिर्फ ऐसा ही करना है। यहाँ पे जो है वो एक बटन से दिए गए कुछ तो आपको इसे दबाते रहना है, इससे अगर आपको मजा आता हो तो ऐसे 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 करने का। इसका मतलब नहीं है कुछ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे एक जो है वो राउंड वाला देख तो आप इसके घुमाते रहना है तो इसका कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों इसकी भी प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ही, आपने देखा होगा कि जो इंटरनेशनल वेबसाइट है वहां पे ये मिल रहा होगा तकरीबन 1500 से लेकर 2000 के बीच में। लेकिन ये जो फिटजेट क्यूब है मैंने खरीदा है सिर्फ 200 से 250 रुपए के बीच में ये खरीदा है। मैंने यूट्यूब पे कई सारे इंडिया की वीडियो के देखी है, उन्होंने अनबॉक्सिंग के समय ये बताया कि उन्होंने ये फिटजेट क्यूब खरीदा है इंटरनेशनल वेबसाइट पर से 2000 रुपए का। इसमें 2000 रुपए देना कुछ ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर दिए और ये इतना वर्थ इट भी नहीं है, ये इसका कुछ मतलब ही नहीं है ये फिटजेट क्यूब का। तो आपको सिर्फ इसके घुमाने रहता है, ये फिर ये स्विचेस है, ये कुछ काम का नहीं है। जो काम का है वो है ये वाला हमारा फिटजेट स्पिनर। आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा घूमता है और ये बहुत ही स्मूथ घूमता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमको सिर्फ ऐसे एक बार सिर्फ ऐसे घुमाएंगे तो ये घूमता ही रहेगा और इससे हमको बहुत ही मजा आएगा।
और दोस्तों इसमें कुछ मुझे मजा नहीं आया, हालांकि जिसको मजा आता है वो उसमें आते हैं और जो पैसे खर्च करने वाले वो इसमें पैसे भी खर्च करते हैं, जिसको मजा आता है वो उसको आता है, मेरे को इसमें मजा नहीं आया। मेरे को तो ये फिडजेट स्पिनर में बहुत ही मजा आया और आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इसे कई तरीके से घुमा सकते हैं और लोग तो इसे नाक में से घुमाते हैं और किसी ने तो iPhone 5S का या फिर सैमसंग गैलेक्सी S8 का भी उसको होल करके बीच में स्पिनर बना दिया है। तो दोस्तों ये दो ऐसे गैजेट है जो फिलहाल बहुत ही क्रेज में हो और मेरी राय है कि आप इस फिडजेट क्यूब को अगर खरीदना भी चाहते हैं तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, हफ्ता दो हफ्ता आपको अपनी नजदीकी रिटेलिंग शॉप में मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन बिल्कुल भी परचेस मत कीजिए और इस फिडजेट स्पिनर को भी ऑनलाइन बिल्कुल परचेस मत कीजिए, ये मेरी राय है। आप नजदीकी टॉय शॉप में से ले लीजिए, इसमें आपको कम रेट में मिलेगा, वरना ऑनलाइन साइट में तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेगा इस दोनों के लिए। तो ये थे फिडजेट स्पिनर और फिडजेट क्यूब। दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और उसे शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि मैं आपके लिए रोजाना ही ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं दीप आपसे जल्दी मिलूंगा एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सेम प्लेस सेम चैनल, टेक टीम। थैंक यू, जय हिंद। और सब्सक्राइब का बटन इधर पे तो इधर पे प्लीज क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फिडजेट स्पिनर को घुमाते रहिएगा जब तक कि ये टूट ना जाए।